कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसार सारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओमकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकामने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं भुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतं पापं अस्मरणं विनश्यति ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सुधीजनों, सनातन ज्ञान की गंगा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई कुछ रोचक और आश्चर्यजनक बातें आपके साथ आज हम शेयर कर रहे हैं। इसमें से जो पहला मंदिर है उस मंदिर को अस्तंभेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। अस्तंभेश्वर महादेव मंदिर की विशेषता ये है कि ये दिन में दो बार डूब जाता है और फिर धीरे धीरे दिखने लगता है। गुजरात के वडोदरा से कुछ दूरी पर कावी कंबोई गांव में अस्तंभेश्वर महादेव मंदिर का मंदिर है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये मंदिर समुद्र में गायब हो जाता है। ज्योग्राफिकल टर्म में ये कहें कि दिन में दो बार ज्वार भाटे आते हैं और दोनों बार ज्वार भाटे में ये मंदिर डूब जाता है। और जब ज्वार भाटा समाप्त हो जाता है तो मंदिर फिर से दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनके हाथ में एक पेपर दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि कितने बजे ज्वार आएगा, कितने बजे आपको उधर नहीं जाना चाहिए, और उसी के अनुसार जाते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कि अस्तंभेश्वर महादेव मंदिर का यहाँ पर निर्माण हुआ कैसे। हुआ यूं कि तारकासुर भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन था। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, बोलो आशीर्वाद मांगो। तारकासुर ने कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ आपके पुत्र से, वो भी जो 6 दिन का हो, सिर्फ 6 डेज का हो, उसके हाथों मेरी मृत्यु हो। और महादेव तो है ही भोलेनाथ, बोले तथास्तु, ले लो बार भाई, एंजॉय कर लो। तारकासुर अत्याचार बता देता है और वो समय आता है जब कार्तिकेय जी का जन्म होता है। और कार्तिकेय जी 6 दिन के होते हैं, छठी से निकलते हैं तो बाहर वॉकिंग करने के लिए निकल जाते हैं और सामने तारकासुर मिल जाता है और उसका द एंड कर देते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि ये जो तारकासुर था मेरे पिता श्री महादेव का महाभक्त था। उनको बड़ी कलानी होती है कि मैंने अपने पिता श्री के भक्त का वध कर दिया। तब सभी देवी देवता उनको समझाते हैं और बोलते हैं, ये भोलेनाथ का ही खेल था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, फिर भी आप ऐसा कीजिए, आप इस अमुक स्थान पर भोलेनाथ का एक शिवलिंग बैठा दीजिए और तभी से ये अस्तंभेश्वर महादेव मंदिर पूजा जाने लगा। बड़ा दर्शनीय जगह है, आप देख सकते हैं, ये पूरा पानी में डूब जाता है, यहाँ भी ये पानी में डूब जाता है और जब पानी हट जाता है तो ये एक रमणीय स्थल बन जाता है। दो बार यहाँ पर ये सब एरिया पूरा इंक्लूडिंग मंदिर पेरिफेरियल ये सब डूब जाते हैं और फिर से वहां पर पानी हट जाता है और दर्शनार्थी वहां पर पहुंच जाते हैं। अवसर निकालिए, भगवान का दर्शन करके आइए।
अगला मंदिर जो है वो निष्कलंक महादेव मंदिर है। निष्कलंक महादेव मंदिर भी गुजरात के भावनगर में, ये भी अरब सागर में है। और इसको बताया जाता है कि लगभग 5000 साल पुराना है, इसको पांडवों ने बनाया था। इसके पीछे की कथा ये बताई जाती है कि जब युद्ध समाप्त हो चुके थे तो पांडवों के मन पर यह बोझ था कि हमने ऐसे ऐसे लोगों की हत्या कर दी है जो युग पुरुष हुआ करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा कीजिए आप लोग। भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडव यात्रा कर रहे थे तो उनको एक काली गाय और एक काला झंडा पकड़ा दिए। उन्होंने बोला आप ये गाय आगे आगे जाएगी, आप लोग झंडा साथ में लेकर के चलिए, जिस स्थान पे गाय और झंडा दोनों सफेद हो जाए वहीं पर रुक जाइएगा और वहीं पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित कर दीजिएगा। ये लोग चलते 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 गुजरात के भावनगर के इस स्थान पर पहुंचे और इस तट पर पहुंचे। उसके बाद से काली गाय थी वो सफेद हो गई और काला झंडा जो था वो सफेद हो गया। ये इसका प्रतीक था कि इनका कलंक जो था, इनका पाप जो था वो कट गया। तो इनका जो कलंक था, इनका जो पाप था वो कट गया। उसी के नाम पर उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ का निष्कलंक महादेव मंदिर बनाया गया। दर्शनीय स्थान है, जरूर घूम करके आए। ये भी जगह अरब सागर में होने के चलते ये बनाव ये आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है ऊंचे एरिया में। जब पानी आता है तो ये पूरा एरिया डूब जाता है, सिर्फ ये झंडा दिखाई पड़ता है, मंदिर कहीं दिखाई नहीं पड़ता, ये सिर्फ झंडा दिखाई पड़ता है, पूरा मंदिर डूब जाता है जब ज्वार और भाटा आता है। तो फिर धीरे 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 पानी सरक जाता है। बट ये है कि ये कीचड़ का एरिया है, इसलिए यहाँ पर आपको यहां से पैदल ही वहां मंदिर तक जाना पड़ता है। कभी हिम्मत कीजिए और निष्कलंक महादेव का दर्शन करके ही आइए। इसके बाद से एक अचलेश्वर महादेव मंदिर है और ये राजस्थान के माउंट आबू में है। अचलेश्वर महादेव मंदिर का सबसे विचित्र बात यह है कि ये मंदिर में जो शिवलिंग है वो दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय में ये लाल रंग का होता है, ये लाल रंग देखें, दोपहर में ये केसरिया रंग हो जाता है और रात में ये श्यामल रंग का होता है, शाम में ये श्यामल रंग का होता है। ये रोज की घटना है, किसी को नहीं पता इसका कारण क्या है। 3 बार ये दिन में अपना कलर बदलता है, सुबह के समय में लाल दिखाई पड़ेगा, दोपहर में केसरिया रंग हो जाएगा और रात में ये श्याम रंग में दिखाई पड़ता है। ये अद्भुत दृश्य हमें जरूर देखना चाहिए। इसके बाद से है 1 लाख छिद्र वाला लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग, ये इसको पातालगामी शिवलिंग भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में ये मंदिर पड़ता है, छत्तीसगढ़ में रायपुर से करीब करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर के बारे में ये बताया जाता है कि यहीं पर भगवान श्री राम ने खर और दूषण का वध किया था। खर और दूषण का वध करने के बाद से भगवान श्री राम ने कहा हे लक्ष्मण यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। और तब लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग की स्थापना किया। वहां की विशेषता यह है कि उस शिवलिंग में 1 लाख छेद हैं, इसलिए इसको 1 लाख छेद वाला भी शिवलिंग कहा जाता है। उस 1 लाख छेद में से एक छेद ऐसा है जो पाताल लोक में जाता है और इसलिए उसको पातालगामी शिवलोक भी जाते शिवलिंग भी कहा जाता है। वहां उसमें कितना भी जल डाल दीजिए वो पाताल लोक में चला जाएगा। इस 1 लाख छिद्र में से एक छिद्र ऐसा है जो हमेशा भरा रहता है, उसका पानी कभी नीचे नहीं जाता है, ना आश्चर्यजनक चीज। तो फिर टेक इस बात की, दर्शन करने का प्रयास करते हैं। रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। इसके बाद चलते हैं, एक ये जय बिजली महादेव मंदिर है और ये जय बिजली महादेव जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है, ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये पहाड़ियां जो है सांपों से घिरी हुई पहाड़ियां थी। महादेव ने सांपों को मार डाला और उसके बाद से वहां पर शांति के लिए एक वहां पर शिवलिंग की स्थापना महादेव ने स्वयं किया। हर 12 साल में
हर 12 साल में महादेव की कृपा से, महादेव के वरदान से, महादेव के आशीर्वाद से इंद्रदेव बिजली गिराते हैं और हर 12 साल में वहां का जो शिवलिंग है वो बिजली गिरने से खंडित हो जाता है। खंडित होने के बाद वहां के पुजारी उस शिवलिंग को इकट्ठा करते हैं और मक्खन से, सीमेंट से नहीं, चूना से नहीं, मक्खन से उस शिवलिंग को फिर जोड़ देते हैं और 12 साल तक फिर पूजा होती है। ये महादेव का ही करिश्मा है। तो इस तरीके से ये आश्चर्यजनक मंदिर, भगवान भोलेनाथ का आश्चर्य भरा हुआ है त्रिलोकों में, अनगिनत आश्चर्य है। उनमें से कुछ आश्चर्य आपको यहां पर हमने गिना है। अगर आपको हमारा ये कथा अच्छा लगता है तो आपको ये बटन दबा करके सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए रेड है, अभी सब्सक्राइब नहीं हुआ, जैसे इसको दबाएंगे अब ये सब्सक्राइब हो गया। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना चाहिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में रुद्राभिषेक करते हुए, या तो किसी ब्राह्मण के हाथ से कराते हुए और नहीं तो स्वयं भी पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराते हुए। तब तक के लिए हर हर महादेव।